अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं आ गई हूँ स्कूल और मेरे स्कूल में था आज मैंगो डे और उसके लिए हमने ये बोर्ड रेडी किया था। इस बोर्ड को हमने अपने स्कूल के एंट्रेंस में रखा था, मतलब मैंने नहीं किया था, बाकी टीचर्स ने किया था, मैंने जस्ट थोड़ी सी हेल्प की थी। उसके अलावा ये अंदर वाला बोर्ड रिसेप्शन की क्लास में रेडी हुआ हुआ था, जो कि सब क्लास ने मिल के ही किया था। अभी स्कूल में मैंगो डे मनाने के बाद काफ़ी ज़्यादा थकावट के बाद मैं घर आ गई थी, फिर मैं सो गई। सोने के बाद मैं उठी हूँ और अब मैं ये कुछ एनवेलप्स लेकर आई थी और अब इनको मैंने रेडी करना है क्योंकि मेरे स्कूल में है रिज़ल्ट और पीटीएम और चार्ट पेपर्स यूज़ नहीं थे किए और मैंने सोचा कि इसी से बना लूँगी। तो ये मैंने कुछ ग्रेजुएशन कोट्स बनाए थे, ऊपर स्टूडेंट्स को ट्रेस किया था मैंने मार्कर से। सबसे पहले इनको आउटलाइन दूँगी और साथ में मैं इनको रेडी करूँगी। करने के बाद ये मेरे एनवेलप्स हो गए थे रेडी और फिर मैं आराम सुकून से बैठ गई क्योंकि मैं थक गई थी। तो फिर मैंने फालसा खाया और ये बहुत खट्टा था, मेरा गला थोड़ा ख़राब भी हो गया था। उसके बाद मुझे बादलों की आवाज़ आई और मैं गई ऊपर टेरेस में और मैंने वेदर को देखा तो ये बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी। कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और शुक्र है कि अब बादल बन गए हैं। बेहतर इंजॉय करने के बाद अब मैं आ गई थी नीचे। अब हो रही थी बारिश और सुबह सुबह मैं आ गई थी स्कूल। आज तो मुझे लगा था कि स्कूल से छुट्टी होगी, लेकिन इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, ये तो हमें छुट्टी देने का नाम ही नहीं लेते। फिर स्कूल आने के बाद मैंने किया काम और ये हमारे स्कूल में पीटीएम होने वाली थी, उसके लिए मैंने कुछ प्रिपरेशन की। ये बटरफ्लाइज कट की हैं, उसके अलावा दो डॉल्स बनाई थी और वो डॉल्स काफ़ी प्यारी लग रही थी देखने में। ये ऐसी लग रही थी इसी तरह मैंने यहाँ पर बैठ के स्कूल के कुछ काम किए। लेकिन इन सब के बाद, इन सब को प्रॉपर रेडी करने के बाद हमें मिल गया ये बोर्ड और ये भी आया था हमारे हिस्से में, उसको भी प्रिपेयर करना था। हमने ये बाहर पड़ा था, इसे अंदर रखवा दिया, फोमिंग शीट्स वगैरह सब कुछ कलेक्ट कर लिया ताकि इसको बनाना हम लोग स्टार्ट करें। उसके बाद हमारे आगे थे बच्चों के रिज़ल्ट, थोड़ी देर सिग्नेचर वगैरह किए और कुछ रिमार्क्स लिखे।
पता है मेरे साइन बहुत छोटे हैं, अब 4 लेटर्स हैं इनको मैं क्या ही करती। उसके बाद मैंने और एक और टीचर ने मिलकर सेंटर में पहले ग्रे शीट लगाई और उसके बाद इसके कॉर्नर्स पे मैंने फोमिंग शीट लगा दी। अभी आज के इतना काम किया है, नेक्स्ट टाइम हम इसके ऊपर जो हमें अरेंजमेंट्स करनी है, जो चीज़ें लगानी है वो लगाती हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी घर और बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले पढ़ी जोहर की नमाज़ और इसके अलावा मुझे भूख भी लगी हुई थी। तो मैगी किचन में वहाँ पे मुझे मिल गए चने और इनको मैंने गर्म किया और साथ में नान भी पड़ा था। तो मैंने सोचा कि शुक्र है आज घर में आई हूँ तो खाना पका हुआ तो है, लेकिन आपको पता है कि जब बाहर के चने लाए जाए तो उनमें कितना ज़्यादा ऑयल होता है। तो फिर मैंने टिशू लिया और टिशू से सबसे पहले इसको ऊपर से साफ़ किया। ये मेरे खाने के काबिल हो गया है, कोई ऑयल नहीं कोई कुछ नहीं, तो अब मैंने खाया ये। इसके बाद आपको पता है कि आज मैंने कितने ज़्यादा काम किए, बारिश भी थी और मैं थक गई, फिर मैंने ज़रा लगाया फ़ैन और अब मैं जाऊँगी सोने। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।